वालेकुम प्यारे मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है लौकी का हलवा, बहुत मज़े का, मेरे अपने स्टाइल में। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। इससे पहले मैंने हैदराबादी लौकी की खीर भी शेयर की हुई अपने चैनल पे, आज मैं लौकी का हलवा बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लौकी ले ली है, इसका वज़न तकरीबन 3 से 3.5 किलो है। इसके हम पील करेंगे और फिर अंदर के जो उसके जो बीज होते हैं गूदा वो निकाल देंगे, तो तकरीबन इसका 2-2.5 किलो रह जाएगा। इसके अलावा मैं लूँगी इसमें 1 लीटर दूध, तकरीबन 1.5 पाव खोया, 1 कप मैंने चीनी ली है, मैं चखे फिर दोबारा से इसमें ऐड कर दूंगी। इसके अलावा इसमें मैंने लिए हैं ये ड्राई नट्स और इलायची का पाउडर और ग्रीन कलर। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ड्राई नट्स को फ्राई करके निकाल लेंगे। इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून घी डालूंगी। मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं दूध को पका लूंगी, कुक कर लूंगी। आपने इतना कुक करना है कि ये थोड़ा सा क्वांटिटी में कम हो जाए, अच्छा सा पका लें इसको 20-25 मिनट। ग्रेट कर ली है, अब इसका मैं हाथ से इस तरह दबा के हम इसका पानी जितना हम निकाल सकते हैं, या आपके पास मलमल का कपड़ा है तो उसमें डाल के जितना पानी आप स्क्वीज कर सकते हैं उतना आप करके पैन में डाल दीजिएगा। पानी स्क्वीज करके उसी पैन में डाल दिया जिससे मैंने नट्स फ्राई किए थे, उसी में 2-3 टेबलस्पून मैंने घी डाला था, और इस मैंने इसमें उसी वाले घी में हम इसको थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि इसका पूरी तरह से पानी जब ड्राई हो जाएगा जब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, वरना कभी कभी लोगों को ये शिकायत होती है कि दूध फट जाता है, तो इस वजह से हम इसको अच्छी तरह से ड्राई करके उसके बाद फिर दूध ऐड करेंगे। इसे 5 से 7 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं इसका पानी बिल्कुल, देखें ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं पहले शुगर डालूंगी क्योंकि शुगर भी पानी छोड़ती है, फिर शुगर के साथ हम इसको पकाएंगे, जब उसका पानी भी ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम मिल्क ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से, अपने मीठे के हिसाब से चीनी डाल लीजिएगा। मैं 1 कप डाल रही हूँ क्योंकि मैं 3 किलो मेरे पास लौकी थी। इसको मैं कवर करके रख दूंगी, फिर ये अपना पानी छोड़ेगी, उसके बाद हम हाई फ्लेम पे इसका पानी को ड्राई कर लेंगे। देखिए शुगर ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, अब इसको हम हाई फ्लेम पे इसको हम ड्राई कर लेंगे। देखिए चीनी का पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, कोई पानी इसमें नहीं है। अब मैं इसमें जो दूध हमने पका के रखा था वो दूध मैं इसमें डाल दूंगी। हल्की आंच में पकने रख दूंगी, हमें इसका ये जितना भी दूध है वो सब ड्राई कर लेना है क्योंकि ये हलवा है, और इस जब ये अब्सॉर्ब हो जाएगा तो बहुत मजे का बनेगा। इसके बाद मैं इसमें आखिरी में खोया डालूंगी, अगर आपके पास खोया ना हो तो आप इसमें आखिर में ड्राई मिल्क पाउडर डाल सकते हैं 1 कप। चले मिलते हैं 20 मिनट के लिए। अब जो है दूध जो है वो रिड्यूस होने के करीब आ गया है, रिड्यूस होने वाला है, हमें कम्प्लीटली इसको रिड्यूस कर लेना है। इससे पहले तकरीबन मुझे 30 से 40 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए हाई फ्लेम पे, पहले मैंने 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे रखा था, फिर मैं इसको हाई फ्लेम पे लेकर आ गई। अब मैं इसमें इसका जो पकते पकते लौकी का कलर जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो मैं इसमें ग्रीन फूड कलर डालूंगी, अगर आपको पसंद है तो आप डालिएगा क्योंकि इससे बहुत प्लेजेंट कलर हो जाता है।
ये देखिए अच्छी तरह से ये इसका दूध जो था वो हमारा मिल्क जो है वो ड्राई हो गया है। बस मैं 3 से 4 मिनट और इसको भूनूंगी और फिर इसको डिश आउट करूंगी। ये हमारा बहुत यमी सा हमारा ये हलवा बनके तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।